नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे केस्टड्यूज चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉयफ्रेंड रॉकी संग शॉपिंग पर निकली हीना और दोस्तों कस्टमाइज मास्क लगाए हुए थी आई थी नज़र इस तरह। दोस्त अगर आप दोस्त हीना खान के फैन है तो दोस्त इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, एक्ट्रेस हीना खान सोशल मीडिया फ्रीक है और फैंस संग अपनी मेमोरी शेयर करती रहती है। हीना खान की पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादातर दोस्तों कमेंट भी किए जाते हैं। अब एक्ट्रेस ने फ्रेंड रॉकी जायसवाल संग दोस्तों अपनी फोटो शेयर की है। इस फोटो में दोनों अपने अपने नाम का मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों को केमिस्ट्री देखती ही बनती है। इसके अलावा हीना ने एक तस्वीर और शेयर की है और दोस्तों इस फोटो को शेयर करते हुए हीना खान ने लिखा है कि विद द बेबी गर्ल कम्स इज इन लॉ। इस तरह दोस्त लिखा है। हीना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों फोटो को देख लगता है कि दोस्तों हीना खान शॉपिंग पर निकली है और दोस्तों इनकी फोटो को बहुत सारे लाइक्स मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहा है दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। मालूम हो कि हीना खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी ओपन रहती है और दोस्तों अपने अपने दिल खोल कर सब बताती रहती है सोशल मीडिया पर। इस तरह दोस्तों वे बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग सोशल मीडिया पर अक्सर फोटो शेयर करती रहती है और दोस्तों पब्लिक इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी शादी को लेकर एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि हीना ने कहा था कि मेरा करियर अभी बस शुरू ही हुआ है और इसलिए मैं अभी तक शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटल नहीं हो पाई हूँ, इस तरह मेरी शादी नहीं है। शादी एक फॉर्मेलिटी है पर हाँ, 2-2.5 साल के बाद मैं शादी जरूर कर लूँगी, इस तरह कहा है। वर्क फ्रंट पर दोस्तों हीना खान के बॉल डेब्यू कर लिया है। वो अब विक्रम भट्ट की फिल्म हैकड़ में नजर आई थी, हालांकि फिल्म को खास रिस्पांस नहीं मिला था। इसके अलावा हीना टीवी टाउन की जानी मानी हस्ती है, उन्हें राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने दोस्तों फेम मिला था। इस तरह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और दोस्तों इस शो में अक्षर कैरेक्टर में थी और दोस्तों इस सीरियल के बाद वो हाउस होल्ड मैन बन गई थी। इसके बाद दोस्तों बिग बॉस में नजर आई थी, यहाँ से दोस्तों हीना के करियर को नई दिशा मिली। वो एकता कपूर के शो कसूर जिंदगी में नजर आई, इस शो में वो निगेटिव किरदार में थी। इस तरह दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।